जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं दोस्तों, और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। देखिए, जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो लिक्विड फायर के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारी पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल, केरोसिन, घी, पेंट की जो आग होती है, उसके लास्ट छोर पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच लगी रहती है, जिसको बोलते हैं मिनी फोम मेकिंग ब्रांच। मिनी माने होता है छोटी, छोटी फोम बनाने वाली ब्रांच होती है, जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है फायर फाइटिंग के अंदर दोस्तों, जो लिक्विड फायर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, फोम बनाने के काम आती है दोस्तों। और फोम क्या होता है, एक हवा पानी का बुलबुला होता है दोस्तों, और हवा पानी का बुलबुला मजबूत नहीं होता, उस बुलबुले को मजबूत करने के लिए इसके अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है जो आजकल सबसे ज्यादा चलता है, उसका नाम है AFFF, एक्वस फिल्म फार्मिंग फोम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फोम कंपाउंड है जो बुलबुले को मजबूत करता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस ब्रांच के तीन पार्ट होते हैं। नंबर एक पार्ट देखिए दोस्तों, जहां मेरी फिंगर रखी हुई है, इसको वाटर इनलेट भी बोलते हैं, वाटर हेड भी बोलते हैं। यहां तक पानी और हमारा फोम कंपाउंड साथ आता है, लेकिन तीसरी जो चीज है हमारे यहाँ पे, जो दूसरा पार्ट है इसका, मिक्सिंग चैम्बर, यहां से वो एयर को सक करता है दोस्तों, और एयर को सक करने के बाद में ये इसमें लगा हुआ है डिस्चार्ज नोजल, डिस्चार्ज नोजल के द्वारा फोम बन के तैयार हो जाता है और लिक्विड फायर के ऊपर जाता है दोस्तों। और इसके लिए जेट को एक जगह एक बेस बना के मारना पड़ता है दोस्तों, जो लिक्विड फायर के ऊपर तेजी से फैलता है, जो 95% स्मूदरिंग और 5% कूलिंग करके आग को बुझा देता है। लिक्विड फायर के ऊपर जो फोम कंपाउंड होता है हमारा, वो अपनी परत बना लेता है, लेयर बना लेता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई इकट्ठा हो जाती है और आग का दम घुट जाता है और आग बुझ जाती है दोस्तों। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जिसका नाम है मिनी फोम मेकिंग ब्रांच। तीन ही पार्ट मैंने आपको इसके बताए हैं, नंबर एक वाटर इनलेट या वाटर हेड, दूसरा मिक्सिंग चैम्बर, तीसरा डिस्चार्ज नोजल। और फोम बनाने के लिए दोस्तों तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर एक पानी, नंबर दो फोम कंपाउंड जो बुलबुले को मजबूत करता है, और तीसरा होता है एयर, एयर जो हमारी मिक्सिंग चैम्बर से हमें मिलती है। फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।